बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? प्रभु परमात्मा और संत की नजरों में तो सब समान समन्वित का भाव है, लेकिन सुग्रीव मित्र बाल शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? बड़ा अटपटा प्रश्न। भगवान ने कहा, देखो मेरे लिए राम, मैं राम हूं, मैं परमात्मा हूं या एक राजा हूं, उसके लिए भी प्रजा समान होती है। आपका प्रश्न बहुत सार्थक है, तो अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर सुन कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वो बध के योग्य दुराचार। और सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, बस इन्हीं विचारों से मैंने तुझको समाप्त करना। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा है, इसलिए मैंने तुझे समाप्त किया। और अब अगर तू चाहता है तो मैं जीवन दान दे दूंगा। भगवान ने कहा कि अब बाली, अगर तू चाहता है मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। बोले, नहीं महाराज, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान, इस मेरे बालक अंगद का ये हाथ हाथ में समर्पण किया है। बाली ने सुग्रीव राज करने लगा, अंगद को युवराज बना दिया, तो जब हमें सुख आ जाए ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। 4 महीने बीत गए, प्रेम जिसे आप कहते हैं, मैंने एक बुक लिखा है व्हाट इज द लाइफ, उसमें प्रेम के मैंने व्याख्यान अपने स्तर से किया है। प्रेम को 3 स्तरों में बांटा है, अभाव, स्वभाव और प्रभाव। अगर किसी के जीवन में प्रेम का अभाव है तो आप उसके ऊपर आपका प्रेम का प्रभाव पड़ेगा। एक निर्धन है, उसको धन का अभाव है, वो निर्धन है इसलिए उसके ऊपर आपके धन का प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे उसके घर में धन का अभाव खत्म होगा, आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा और अंत में वो अपना स्वभाव बता देगा। और मेरे हिसाब से प्रेम बर्फ के पिघले हुए टुकड़े से ज्यादा नहीं, जो कभी स्थिर नहीं होते। मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, इस जग का प्रेम है पल भर का, मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, इस जग का प्रेम है पल भर का, मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, इस जग का प्रेम जग का प्रेम पल भर का।
संसार का इस जग का प्रेम है पल भर का
शून्य से शून्य की गति है, रिसाइकल सिस्टम है पूरा। कि तू क्यों मरे हमारे लिए, मैं मर चुका तुम्हारे लिए और तू मरी हमारे लिए, तो बाहर खड़ा तुम्हारे लिए। मछली मारते हो ना तो हिलती है वो, कीड़ा बोलता है मछली से, कहता है तू क्यों मरे हमारे लिए, मुझे खाने के लिए क्यों मर रही, मैं तो तुझे मारने के लिए मारा जा चुका हूं, और कहीं तू मरी हमारे लिए तो बाहर खड़ा तुम्हारे लिए। भगवान को भी नहीं चुका ना, भगवान ने यहां बाली को वृक्ष की ओर से मारा, और जब इनका कृष्ण अवतार था, एक पैर पैर पे चढ़ा करके सोमनाथ के तट पे खड़े थे, बहेली ने बाण चलाया, लग गया त्राहिमाम त्राहिमाम करके बहेलिया पहुंचता है, कहते क्यों त्राहिमाम कर रहे हो, हे प्रभु मुझसे पाप हो गया। बोले कोई पाप नहीं है, तो भरपाई हुई है कर्म के। त्रेता में मैं राम था, तू बाली था, मैंने भी ओट से मारा था, आज तूने अपना बदला पूरा कर लिया, तो भाई जब तक चोट नहीं लगे ना खोट निकलता ही नहीं, इसलिए कई बार चोट लगना भी जरूरी है। महाराज ने चूहा बाल रखा है, बिल्ली उसे खाने आ रही है, गुरुदेव ने मंत्र मारा और उसको बिल्ली का आकार दे दिया, कुत्ता आने लगा फिर कुत्ता भी बना दिया, और बड़ा हो गया शेर आने लगा, दया तो आती ना संतों को, उन्हें उस चूहे को शेर की आकार आकृति दे दी, भाई अब तू शेर है, अब आप जैसे जगत भगत आवे महाराज जी आवे तो खरा, पर डर लगे आपके बाजू में शेर बैठा रहे, यदि हमें खा ले तो क्या होगा। महाराज जी से समझावे कि ना भाई ना, ये शेर ना है, ये शेर ना है, ये तो चूहा है, इसके अंदर आकार बना के रख दिया है जिससे लोग इसको तकलीफ ना दे। अब चूहे रूपी शेर के मन में अहंकार गया, वाह ये महाराज ना तो खुद मुझे शेर स्वीकार करता और ना लोगों को स्वीकार करने देता, क्यों ना हम आज ये महाराज की लीला ही समाप्त कर दें। जैसे ही शेर रूपी आकार वाले चूहे ने, क्योंकि अंदर तो चूहा ही था ना, गुरु पे प्रहार करने की कोशिश की, गुरु ने कमंडल से जल उठाया और ब्रह्मर्पणम ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो चूहे को चूहा बना दिया। इसलिए कहने का मतलब है कि परमात्मा ने जो आपको दिया है उसे याद रखो, नहीं जो कुछ भी आपके पास है वो एक मिनट में खत्म हो जाएगा, उसकी मार में कोई आवाज नहीं होती है। आपने कहा मंदिर मैंने बनाया, धर्मशाला मैंने बनाया, भंडारा मैंने बनाया, आपको किसने बनाया उसे भी याद रखो। आपने मठ मंदिर धर्मशाला बनाकर बाप के नाम का स्लेट लगा लिया क्योंकि उसका नाम रहे, भौतिक वासना वाले बाप का पाप का नाम रहे, पर जिसने सृष्टि को बना दिया उसके नाम के लिए भी कुछ कर लिया करो भाई, तभी राम कथा का आनंद है, नहीं टाइम पास तो दुनिया में लोग करते हैं। सुग्रीव भगवान राम की शरण में आया है और जानकी की खोज के लिए तैयारी हो रही है, जानकी को खोजने के लिए युवराज अंगद जामवंत हनुमान नल नील ऐसे सारे लोग जा रहे हैं, और संकल्प लिया है, ध्यान देना यार, कोई भी काम करने के लिए एक संकल्प तो होता है ना, जैसे आप व्रत उपवास करते हो, उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं होता है, उपधनवास अस्तु उपवास, इस जीवात्मा को परमात्मा के निकट रहने को उपवास कहते हैं। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया और दिन में रात दिन भाई कि कभी अनार है कभी केला है कभी फल है खाते रहो, तो उपवास थोड़ी है। उपधनवास परमात्मा के इस जीवात्मा के रहने को कहते हैं, हमेशा स्मरण रहता है, वो दिन मेरा उपवास मुझे स्मरण करते रहना है,
और इसीलिए बाबा ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अभी